किया तुम लोगों ने पेमेंट दे दो जिवें ढोला लाई जाए झूठे लाई जाए लै तो हिमाचल ही आ गई थोड़े टाइम तक घूम घम है ना तो काम लग जाना है तो रह के घूम तो जी आप विशु के फ्रेंड ना चले हैं विकास गोसफोर्ड चले हैं जी तो उतो थोड़ा समान पिकअप करना है तो कहते रस्ते बहुत वधिया वधिया व्यूज आते हैं ब्रिज है तो तुम दिखाते रहेंगे सारे ये है पैरामेटम पार्क नहीं मैं गया नहीं हले इधर अच्छा अच्छा फायरवर्क्स इधर ही हुए सी इधर ही ये पार्क बहुत बड़ा है हां फिर तो मैं गया सी का 250 एकड़ जगह 250 एकड़ च पार्क है नाले आगे ना गया स्टेडियम इतना जो सॉकर स्टेडियम सॉकर दा है सॉकर फुटबॉल रग्बी चल यार एदी सेटिंग है कैपेसिटी ये पब्लिक फ्री स्कूल होंगे ने ऐते बच्चे दी फीस होस होंदी स्कूलां दी पब्लिक फ्री प्राइवेट इज फीस होंदी इस तो बाद जेड़ा स्कूल आना वो इत्थे दा सब तो महंगा स्कूल आ ये ओदी फीस हैगी 50,000 साल दी स्टूडेंट दी साल दी 50,000 मैं लगदा अपनी यूनिवर्सिटी जिन्नी ही होली है ज्यादा यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी दी 1 साल दी नहीं सच तो है भी साल दी सगो ओ तो होंदी 2 साल दी है ओ बहुत महंगा स्कूल है फिर तो फीस सिस्टम कह जे इतना महंगा क्यों है प्राइवेट बस प्राइवेट में करके प्राइवेट सारी फैसिलिटीज पब्लिक में फैसिलिटीज आ रही है बट प्राइवेट में ज्यादा फैसिलिटी है से किंग स्कूल है ये पब्लिक था ये बाकी के लोग किंग डे नाइट बोर्डिंग है लेफ्ट में सब ग्राउंड दिखाई दे सकते ग्राउंड राइट में ग्राउंड स्विमिंग पूल सब स्कूल का सब कुछ हो गया था ये है ना स्कूल हां वो स्विमिंग पूल कैमरे भी लगे होंगे ना स्कूल ने सारे वो पिछले स्पीड देगा 40 की स्पीड होंगी और जो स्कूल एरिया होता ना उसे वो 60 होंगी है वो 60 किन्नी भी हो स्पीड 60 80 90 हां जी जो स्कूल जोन होना जी मॉर्निंग होनी 60 मॉर्निंग 8 तो 9:30 और दोपहर 2:30 तो 4 सारे पता नहीं इन्हां नु 40 हो गया टाइम 5 साल से करीब हो गया 40 दे जोन दे उत्ते जाने कैमरे लगे हुए हैं फोटो आप सुनाई ले ली सारे पास कैमरे लगे हैं और फ्लैश बजदी है करके नाल दिन करे चला इनविटेशन आ जाता है डिनर किया तुम लोगों ने पेमेंट दे दो पता लगी अपन जे इत्थे ड्राइविंग दी नॉलेज लैनी है तो अपन एक डीकेटी ऐप इंस्टॉल करनी पैनी है की फुल फॉर्म से डीकेटी दी ड्राइवर नॉलेज टेस्ट ते ओ टेस्ट दी के ता ही लाइसेंस बनना लाइसेंस तो वैसे बनाउन दी लोड नहीं हैगी ना लेकिन इंडियन लाइसेंस चलदा है पर जे इत्थे दा लाइसेंस लेना है उबर या कोई ऑटो टैक्सी ड्राइविंग करनी है या अच्छी जॉब करनी है ट्रक ते चढ़ना है अच्छा तो उहनां नूं चाहिदा है इत्थे दा लाइसेंस इत्थे दा लाइसेंस लेने वास्ते डीकेटी देना पहले वो हैगी प्रैक्टिकल फिर उस तो बाद थ्योरी फिर रोड ते टेस्ट होना उस तो बाद तू पहले डीकेटी क्लियर करना ता तू बुक कर सकता है रोड दा टेस्ट मतलब गड्डी दा बहुत नॉलेज मिल रही है जे सारा रिकॉर्ड हो गया तो भी पता लगता हैगा सारा आज तो पता नहीं है तो अच्छा है बड़ी जॉब्स लिए और डिलीवरी लिए डीकेटी चाहिए ना नाले वैन भी चाहिए तो दी ता दी वैन सामान रखने वास्ते ये सामान लिए ही नहीं है कि जानवर रखने आप सामान लिए है जाएंगे ऊपरों ये थले जावन ते जैसे कि टनल टनल के अंदर जान दे पैसे लगते हैं $10 हां आप जाएंगे उत्ते सेम है कि थले टनल जांदी उत्ते रेड लाइट नहीं है रेड लाइट आनी 5 7 अच्छा ताही पर इस तो आगे ट्रक अलाउड नहीं जाने ट्रकों ने कंपलसरी है उन्होंने जाना ही पड़ेगा उन्होंने टनल जो जाना कंपलसरी ले ट्रैफिक लोड ना आए ठीक ठीक आगे बोर्ड लगे होना उत्ते देखो लगे वो रेड कलर का ट्रक के पास था अच्छा उसी लगे आया ऊपर सामने आगे होने आओ ओ देखो उत्ते बोर्ड लगे हुआ है एक सारे कैमरे लगे ओ सी ऊपर गया बड़े ओए बोर्ड पे लिखा है क्रॉस करना उन्होंने फोटो इतने खींचनी कि कैमरे लगे ट्रक बस इससे जानती है हां हां देखो कैमरे कैमरे फ्लैश बज रही है ना दी अरे कटिया की रेट कितनी है $1 70 सेंट 71 सेंट का हां सज्जे हाथ पास आना ਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ 1-2 ਸੈਂਟ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 20-30 ਸੈਂਟ
ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਈ ਜੇ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੇਲ ਡਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ 8 10 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਨੇ ਐਵਰੇਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਨ ਲਾਈ ਸੀ ਇਸ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਆਵਾਂਗੇ ਹਿਮਾਚਲੀ ਆ ਗਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਰੇ ਏ ਮਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਘੁੰਮਣ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘੁੰਮਣਾ ਕੰਮ ਚਰੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਟ 'ਚ ਸੋਫੇ ਬੈੱਡ ਆ ਦੇਖੋ ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਬੀਰਸ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੀਰਸ ਕੈਟ ਦੇਖੀ ਪਿੱਛੇ ਬਟ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਟ ਭਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੀਰਸ ਕੈਟ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਰਟ ਦੇ ਇਹ ਗੋਦਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਮੈਟਰਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਬਿਫੋਰ ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਈ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇਹ ਰੱਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਹੀ ਕੰਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹਲੇ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈੱਡ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉੱਧਰ ਸੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਪਰ
जाना लिफ्ट च ही है, कोई बड़ी गल नहीं, मैट्रस है ते बैड है। लो जी पहुंच गए आप, गद्दा लेके आए हुणी लिफ्ट च पा के अंदर। ओए क्या बात है, सिंगल है ना? ओ हो, क्या बात है। कंग्रेचुलेशंस। क्या बात है। हेलो आ गया जी, गद्दा भी आ गया, बेड भी आ गया, सारा समान रखा। देखो भैया बेड सैंपल हो रहेगा, आप सैंपल करो तो बेटर है। जे आप बाहरों बंदा बुलाने तो किन्ने पैसे लै लेंदे हो? 50-100 तो शुरू हो के जिन्ना उन्ना मन करदा पर आर दे लैंदे ने, ओ घंटे दा लैंदे ने, इसलिए आप ही कर लो। आ देखो इत्थे सारे इंस्ट्रक्शन दित्ते होंदे ने, चैप्टर चैप्टर। पूरी चल रही हैगी है कंस्ट्रक्शन, सारी सारी सिविल इंजीनियरिंग इतनी निकलती पी है। सारी सिविल इंजीनियरिंग निकल रही है, अपन भी सीखने मिल रहा। हो गया बेड तैयार, वापसी आना ना, लेके आना। बंदा इतने सोहने व्यू ते, क्या बात है। अभी सिस्टम होता ना इधर, देखो आप खोलते हैं दरवाजा, उपर ही वॉशिंग मशीन लगी होती है, ड्राई सारा कुछ कट्ठा ही, सिंक, डिश वॉशर है। देखो मंडी वाला फील आ गया, पूरा पहाड़ नीचे सारा। ਸਿੱਧਾ ਬਸ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਅੱਜ, ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਰੂਲਸ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕੀ ਔਰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਭ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।